नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 6 कोर पेपर 13 का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा एक संगठन है जिनके कार्यों के बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सबसे प्रमुख तथा लोकप्रिय अंग जो है महासभा है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद कहा जाता है। कुछ विचारकों ने इन्हें विधानमंडल की संज्ञा दी है, जबकि सुमा ने महासभा को संसार का नगर सभा कहा है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें से महासभा पहला प्रमुख अंग माना जाता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद कहा जाता है। कुछ विचारकों ने इन्हें विधानमंडल की संज्ञा दी है, जबकि सुमा एक विचारक है जिनका कहना है कि महासभा संसार का नगर सभा है। तो संयुक्त राष्ट्र को इसलिए स्थापित करी गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके, तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानव अधिकार को भी ध्यान में रखा जा सके, उनके विकास के लिए कार्य किया जा सके। महासभा का गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन जो है 10 जनवरी 1946 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक लंदन में होता है। इस बैठक में 51 देशों के सदस्यों ने भाग लिया था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का गठन 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था, तो इसमें 51 देशों के सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया था। 24 जनवरी 1946 को महासभा का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि परमाणु हथियार का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 24 जनवरी 1946 को महासभा का पहला प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के बीच यह कहा गया कि सभी राष्ट्र जो है हथियारों को सीमित रखेगा, वह उतने हथियारों का ही प्रयोग करेगा जिससे वह अपने राष्ट्र में सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखा जा सके। जबकि जर्मनी जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के परमाणु हथियार की संख्या को सीमित कर दी गई। जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था, यही कारण है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी, उस समय जर्मनी के जो है शक्तियों को कम कर दिया गया, उनको परमाणु हथियारों की जो है संख्या को सीमित कर दिया गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कि शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस संगठन में कहा गया कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर जो है आक्रमण नहीं कर सकता है, उन पर अपना शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। भारत में जब परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने दबाव बनाने का प्रयास किया। जब भारत में परमाणु परीक्षण 1998 में किया जा रहा था, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि आप परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भारत ने जो है कूटनीति का सहारा लिया और इन्होंने कहा परमाणु हथियार का परीक्षण हम जो है अपने देश के शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, किसी और देश पर जो है आक्रमण करने के लिए नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है महासभा का प्रतिनिधित्व। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। महासभा में जो है सभी राष्ट्रों को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर एक राष्ट्र का 5 प्रतिनिधि आ सकता है, वाद विवाद में भाग ले सकता है। यहाँ पर जो है एक राष्ट्र का 5 प्रतिनिधि आ सकता है वाद विवाद करने के लिए, लेकिन सभी को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्र हो या छोटा राष्ट्र हो, केवल एक मत देने का ही अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर पर विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाती है, यही कारण है कि वर्तमान समय में इसमें 193 सदस्य राष्ट्र शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर पर जो है किसी भी विवादों को पहले बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयास करती है। जब बातचीत द्वारा वह समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता है, तो सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। उसके बाद है महासभा के मतदान प्रक्रिया। आखिर महासभा का मतदान प्रक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा के मतदान के प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर सवाल आता है कि चार्टर क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। संयुक्त राष्ट्र संघ जब स्थापित करी गई थी, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल को जोड़ा गया ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए सभी राष्ट्रों को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ पर जितने भी राष्ट्र हैं, अगर कोई विवाद होता है और उसमें मतदान प्रक्रिया होती है, तो सभी राष्ट्रों को केवल एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी जटिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होनी चाहिए। यहाँ पर आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी जटिल मुद्दे पर अगर महासभा निर्णय लेती है, तो ऐसे स्थिति में जितने भी उसमें उपस्थित होते हैं सदस्य और मतदान देने वाले होते हैं, उसके 2/3 बहुमत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो महासभा में 193 राष्ट्र शामिल है, तो इसमें से 2/3 बहुमत चाहिए, वहाँ पर जो है जितने भी उपस्थित हैं प्लस 2/3 बहुमत चाहिए।
यानी कि अगर दो तिहाई बहुमत की बात करें तो 193 का दो तिहाई आप कर देते हो तो 128 होता है। तो अगर 128 है तभी कोई भी जटिल मुद्दा यहाँ पर पास हो सकता है। अगर 128 मत से कम होते हैं तो यहाँ पर जटिल विवादों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जबकि कोई साधारण मुद्दा होता है तो उन पर जो है सामान्य बहुमत द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। सामान्य बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1। अगर मान लो 193 सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इसका 50% करोगे तो 97 होगा, और इसमें एक ऐड कर दोगे तो 98 कुछ होगा इस प्रकार से। तो 50% प्लस 1 करने के बाद ही जो है यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया द्वारा किसी भी मुद्दों पर, किसी भी विवादों पर निर्णय ले सकती है। उसके बाद जो है महासभा का अधिवेशन। महासभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। ये जरूरी नहीं है या कोई ऐसा रूल लिखा नहीं गया है। महासभा जो है जरूरत के अनुसार एक साल में दो बार भी बैठक कर सकती है। यहाँ पर अधिवेशन जो है सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर में होता है। हालांकि यह अधिवेशन किसी भी स्थान पर बुलाया जा सकता है। यह जो अधिवेशन है सितंबर महीने में होता है, कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क शहर में होता है। लेकिन इसमें एक बात यह भी कही गई है कि यह अधिवेशन किसी और राष्ट्र में भी हो सकता है, कोई और स्थान पर हो सकता है। कैसे? इस अधिवेशन होने के 120 दिन पहले जो है जितने भी सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है उसके द्वारा मांग की गई हो कि इस स्थान पर जो है अधिवेशन होनी चाहिए, तो इस प्रकार से जो है किसी और स्थान पर यह अधिवेशन हो सकता है। यह अधिवेशन 2 महीने तक चलती है, परंतु यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो महासभा के विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। यह अधिवेशन 2 महीने तक तो चलती है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की बीच में आवश्यकता पड़ जाती है तो महासभा विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल अधिकतम सदस्यों द्वारा अधिवेशन बुलाने की मांग की गई हो। यह अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? तो विशेष अधिवेशन तभी बुलाया जाएगा जब कोई जटिल मुद्दा को समाधान करना हो, जब विश्व स्तर पर युद्ध छिड़ने की संभावना हो। ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल अधिकतम सदस्यों द्वारा अधिवेशन बुलाने की मांग की जाए तो ऐसे स्थिति में जो है अधिवेशन बुला सकती है, जिसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद तथा बहुमत सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे के अंदर महासचिव के द्वारा संकटकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर कोई असाधारण परिस्थिति आ गया हो तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद बहुमत सदस्यों के अनुरोध करने पर 24 घंटे के अंदर महासचिव से बात कर संकटकालीन अधिवेशन को बुला सकता है। महासभा के जो है अनिवार्य कार्य किया है, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा उन पर जो है विचार करना और सुझाव देना। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। सुरक्षा परिषद जो है जितने भी इसमें संगठन है उसके रिपोर्ट पर विचार करना और उसके प्रति जो है विमर्श देना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीति को सहयोग देना। अगर दो राष्ट्रों के बीच तनाव चल रहा है तो बातचीत द्वारा जो है उसको सुलझाने का प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जाँच पड़ताल करवाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में यह जाँच पड़ताल करवा सकता है। 5वां, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना। महासभा का कार्य है कि राष्ट्रों के बीच जो है मित्रता को बढ़ाया जाए, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चयन करना तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चयन करना। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चयन करना होता है तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चयन करने का जो कार्य होता है वो महासभा का होता है। 7वां है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर जो है महासचिव की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों का उपयोग करने में सहायता देना। महासभा का कार्य है कि प्रत्येक देश के व्यक्तियों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, आकार के मानव अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों का उपयोग करे और सभी को जो है समान अधिकार दे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। उसके बाद जो है हम लोग 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को देखते हैं। पहला है, महासभा का गठन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1946 को महासभा का गठन हुआ था। दूसरा है, महासभा में कितने राष्ट्र के प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो महासभा में जो है 193 सदस्य राष्ट्र भाग लेते हैं। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद कहा जाता है। चौथा है, महासभा को संसार का नगर सभा किसने कहा है? तो सुमा ने जो है महासभा को संसार का नगर सभा कहा है। 5वां है, महासभा में सभी राष्ट्रों को कितने मत देने का अधिकार प्राप्त होता है? तो महासभा में सभी राष्ट्रों को जो है 1 वोट देने का ही अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त